This chapter, Nationalism in India, yesterday I have covered, first of all, meaning of anti-colonial, the way, the feeling in which many countries got independence from their colonial masters. Okay? After that, we have discussed about the condition of First World War. During First World War, political and economic condition deteriorated in our country, and our countrymen, they had to face lots of troubles. And आपने वो सारे ट्रबल्स बताने हैं. ड्यू टू दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म केम इनटू द माइंड्स ऑफ द पीपल, बिकॉज अब उनको लगने लगा था कि जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो उनकी अपनी नहीं है. दे वांटेड देयर ओन सेल्फ गवर्नमेंट, वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट और अपनी कंट्री में अपने कुछ राइट्स जो हैं वो चाहते थे. और दैट्स वाई मैनी पीपल दे पार्टिसिपेटेड इन द डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स एंड सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी. देन नेशनल मूवमेंट हमारी कंट्री में स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. तो सबसे पहले ये टाइमलाइन मैंने बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड 1907 में. हमेशा जब भी ये चैप्टर लर्न करना है टाइमलाइन के साथ ही लर्न करना है आपने ये, ठीक है. 1914 टू 1918 आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन. देन इन द ईयर 1915 महात्मा गांधी केम इन आवर कंट्री फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड देयर ही स्पेंट लॉट्स ऑफ मेनी इयर्स, एंड देयर ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट. He came back because he considered that our country was controlled by colonial masters. So, unka main aim kya tha? Apne country ko freedom dilana. Okay? Because in the foreign countries they faced racial discrimination and world war was going on. That's why he came back. Then, when he came back, then he saw problems of different people and he started many satyagrahas. So, apne ye year wise yaad karne hai. Champaran, Kheda, and Ahmedabad. चंपारण बिहार, खेड़ा इन गुजरात, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स की जो डिमांड थी उनको फुलफिल करने के लिए ही स्टार्टेड सत्याग्रह. सत्याग्रह का मीनिंग यस्टरडे आई हैव क्लियर, ठीक है. दैट इज द मास एजिटेशन नॉन वायलेंट मेथड अगेंस्ट ट्रुथ, ठीक है. देन उसके बाद फिर हमने बताया था, रीजन बताया था कि चंपारण में क्या था, प्रॉब्लम थी, ठीक है. खेड़ा में पीजेंस की प्रॉब्लम थी, अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम थी. And to solve the problems, Mahatma Gandhi convinced all the farmers and workers that they should fight for their rights in with the non-violence, not with the violent, but with the non-violence. Okay? यहाँ तक हमने किया था. इसके बाद, then when with the coming of Mahatma Gandhi, many people they participated in the different kind of satyagrahas. Then for British government, they worried. They were really worried because many people now. They were participating in the movements. ठीक है, तो महात्मा गांधी की जो movements थी या सत्याग्रह सत्याग्रही जो थे उनकी activities को control करने के लिए British government they passed an a passed act named as Rowlatt Act. In which year? यानी कि देखो 1918 का अहमदाबाद का cotton mill workers सत्याग्रह जो है वो launch हुआ. Many cotton mill workers they participated. एंड इनकी पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए, इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए महात्मा गांधी जो थे वो सत्याग्रह जो है, ठीक है, वो स्टार्ट कर रहे थे. और उनकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पास्ड एक्ट दैट इज नोन एज रॉलेट एक्ट. क्या बोलते हैं इसको, रॉलेट. क्यों कहते हैं, क्योंकि सर जस्टिस रॉलेट के नेम पे ये एक्ट बनाया गया था. कौन से ईयर में बना, 1919, ठीक है. तो अल्टीमेटली जब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किए तो उनकी एक्टिविटीज और लोगों की एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया. क्या था ये गवर्नमेंट का जो ये एक हम कह सकते हैं कि एक ब्लाइंड एक्ट था. ब्लाइंड एक्ट का मतलब क्या होता है, दैट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव अनलिमिटेड पावर्स टू पुलिस. यानी कि पुलिस को स्ट्रॉन्ग कर दिया कि पुलिस अब किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती थी फॉर 2 ईयर्स विदाउट अ ट्रायल, विदाउट अ केस. अल्टीमेटली क्या होता है, जब किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उसके बाद केस फाइल होता है और उसकी हियरिंग होती है और उसके बाद उसको पनिश किया जाता है. लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग सत्याग्रही इसकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए, ठीक है, पुलिस के पास ये एक्ट दे दिया, पुलिस के पास ये पावर्स दे दी, उनके पास ये अनलिमिटेड जिसे हम कहते हैं कि एक पावर दे दी दैट दे कैन अरेस्ट एनी पर्सन फॉर 2 ईयर्स विदाउट अ ट्रायल. ठीक है, यानी कि वारंट की जरूरत नहीं है, किसी भी पर्सन को पुलिस पकड़ सकती. एंड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स. डिटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको डिटेंशन का मतलब होता है कि जस्ट अगर कोई पर्सन जो है वो कर रहा है या स्पीचेस दे रहा है
तो पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर सकती है, डिटेंशन कर सकती है। और इसका मतलब क्या है कि पुलिस जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस को ये राइट दे दिया कि वो लोगों की एक्टिविटीज या क्राउड या जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते। डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। सो ही महात्मा गांधी ही वॉज ऑल्सो वरिड फॉर दैट। ठीक है, उनको ये लगा कि ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है वो रॉन्ग एक्ट्स हैं। अब इन रॉन्ग एक्ट्स को अपोज करने के लिए महात्मा गांधी ही स्टार्टेड अनदर सत्याग्रह जिसको बोलते हैं रॉलेट सत्याग्रह। कौन से ईयर में? जिस ईयर में पास हुआ, सेम ईयर 1919। रॉलेट सत्याग्रह इसी के अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने एक नया सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया 1919 में, जिसको कहा जाता है रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह। अब इस रॉलेट सत्याग्रह का मेन मोटिव क्या था? रॉलेट सत्याग्रह का मेन मोटिव था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस को इनॉर्मस या अनलिमिटेड पावर्स दी थी, उन पावर्स को अपोज कर लो विद नॉन वायलेंस मैथड। ठीक है, एंड एट दैट टाइम, अब हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं कौन सा, नियर अबाउट 13 अप्रैल 1999। इसके लिए आपको टू इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो याद करनी पड़ेंगी। एक तो याद करनी पड़ेगी 6 अप्रैल 1990, और एक याद करनी पड़ेगी 10 अप्रैल 1990। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव डिस्कस अबाउट द रॉलेट एक्ट। हमें इतना पढ़ा कि रॉलेट एक्ट क्या था ना, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ। देन रॉलेट एक्ट का रीजन, यानी कि जलियांवाला बाग में जो मसैकर हुआ उसका मेन रीजन क्या बना? रॉलेट एक्ट और अनलिमिटेड यू कैन से पावर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब आपको नेक्स्ट टॉपिक आएगा जलियांवाला बाग मसैकर, टोटली आपको 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है, कंप्लीट क्वेश्चन है ये आपका। तो व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन और आंसर, तो यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रॉलेट एक्ट ऑल्सो और अदर देन दैट। ठीक है, यानी कि आपको सीधा यहाँ से शुरू नहीं करना, आपने रॉलेट एक्ट का भी बताना है और उससे पहले का भी बताना है कि व्हाट वर द रीजंस व्हाई द पीपल दे गैदर्ड इन द जलियांवाला बाग टू डिस्कस द रॉन्ग पॉलिसीज। क्या रॉन्ग पॉलिसीज होती थी? बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट दे पास एक्ट रॉलेट एक्ट 1919, एंड फॉर दैट महात्मा गांधी ही स्टार्टेड रॉलेट सत्याग्रह। अदरवाइज महात्मा गांधी ऑल्सो स्टार्टेड मेनी सत्याग्रह बिफोर दैट इन 1916, इन 1917 एंड इन 1918। ठीक है, इसके बाद फिर आपने ये बताना है कि जब महात्मा गांधी जी के रॉलेट सत्याग्रह को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ जिसे हम कहते हैं कि लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही स्टार्टेड अरेस्टिंग सम लीडर्स। अब इसके लिए मेन आपने क्या बताना है, दैट महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल, हड़ताल का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक कर दी, हड़ताल वर्ड यूज करोगे आप यहाँ पे, हड़ताल डिक्लेयर टू अपोज रॉलेट एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी जी ऑन 6 अप्रैल 1919 ही डिक्लेयर अ हड़ताल स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल 1919। ठीक है, और हड़ताल अल्टीमेटली क्या था? ठीक है, फर्स्ट आपने रीजन क्या बताना, जलियांवाला बाग मसैकर के बारे में हम बता रहे हैं, तो जलियांवाला बाग मसैकर का आप सबसे पहले बताओगे द मेन रीजन ऑफ जलियांवाला बाग मसैकर वॉज दैट इन महात्मा गांधी ही अपोज्ड रॉलेट Act, and so that's why he started Rowlatt Satyagraha in 1919. What was that? फिर आपने Rowlatt Act को explain करना। उसको explain करने के बाद फिर आपने ये बताना है, when British government gave unlimited powers to police to arrest any political prisoner for 2 years without trial, then Mahatma Gandhi ji he started हड़ताल on declared हड़ताल on 6 अप्रैल 1919। उन्होंने declare कर दिया कि उन्होंने हड़ताल जो है वो start की। अब जब हड़ताल हुई तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन इन द वेरियस सिटीज, अलग अलग सिटीज में रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इन सत्याग्रही या महात्मा गांधी जी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, और इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट और पुलिस अरेस्टेड मैनी लीडर्स, उन्होंने बहुत से लीडर्स को अरेस्ट किया। ठीक है, इवन पंजाब में भी उस टाइम पीरियड में, अमृतसर में भी बहुत उस टाइम पीरियड में इसके अगेंस्ट जो है वो लोगों ने काफी क्वेश्चनिंग की। ठीक है, एंड डॉक्टर सैफ्युद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल, ये दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ठीक है, इन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इवन महात्मा गांधी जी को भी अमृतसर और दिल्ली जो है यहाँ, क्योंकि अमृतसर मेन मेन सेंटर था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो लोग
अपोज करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उनको लगता था कि एक तो अमृतसर और सेकंड दिल्ली को कंट्रोल करना, तो दिल्ली में महात्मा गांधी जी की एंट्री को बैन कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद यानी कि 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक अलग अलग जगह से रैलीज के या फिर प्रोटेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना चाहती, तो उन्होंने क्या किया, 10 अप्रैल उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दी, दैट इम्पोज मार्शल लॉ, इम्पोज मार्शल लॉ, काइंड ऑफ कर्फ्यू, मार्शल लॉ मीन्स काइंड ऑफ कर्फ्यू, कर्फ्यू लगा देना, जिसमें कहते हैं कि 4 से ज्यादा लोग जो हैं वो किसी भी तरह से इकट्ठे नहीं होंगे और पॉलिसीज को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और इसकी कमांड जो है वो किसको दी गई, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर, वॉज गिवन कमांड टू कंट्रोल द होल ऑफ द सिचुएशन इन अमृतसर, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जनरल डायर ने बाद में इसके लिए क्या एक्सप्रेशन दी कि वो एक मॉरल इफेक्ट, यानी कि वो एक टेरर इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते थे और मार्शल लॉ लगाकर, और उसके बाद उनको अनलिमिटेड पावर्स दी गई कि वो कुछ भी ऐसा करें जिससे कि उन्होंने टेरर, टेरर का मतलब होता है कि लोगों के मन में ऐसा डर बैठ जाए कि कभी भी लोग फिर रैलीज में या प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट ना कर पाए, ठीक है। एंड फिर आया दिन ऑन 13 अप्रैल 1919, क्या हुआ इस दिन 13 अप्रैल 1919, वैशाखी फेयर, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो वैशाखी फेयर के लिए अमृतसर गए, एंड इसके बाद दे गैदर्ड एट जलियांवाला बाग, ठीक है। और उस टाइम पीरियड में जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही गेट था, ओनली वन गेट वॉज देयर, एंट्री एंड एग्जिट, एंड लॉन्ग वॉल्स थी, तो वॉल्स को क्रॉस करके लोग जा नहीं सकते थे, ठीक है। दीज पीपल दे जस्ट गैदर्ड एंड टू डिस्कस, उनको ये जो है डिस्कशन क्या था, उनका मेन मैटर क्या था, टू डिस्कस द रॉन्ग पॉलिसीज, टू डिस्कस अबाउट रॉलेट एक्ट, टू डिस्कस अबाउट द रॉन्ग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जस्ट देवर दे गैदर देयर पीसफुली विदाउट वेपन्स, ठीक है। उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, कोई किसी भी तरह से उनके पास कोई भी गन्स या किसी भी तरह से उनके पास कोई अनवॉन्टेड मटीरियल नहीं था, दे जस्ट गैदर एंड देवर जस्ट डिस्कसिंग, ठीक है। बट जनरल डायर ही केम एंड ही ब्लॉक द एंट्री एंड एग्जिट गेट, एंड आफ्टर दैट उसमें उसके बाद फिर क्या हुआ, इंसिडेंट टुक प्लेस एंड मैनी इनोसेंट पीपल दे वर किल्ड, एंड मैनी इनोसेंट पीपल दे डाइव इन टू द वेल, गोलियों से बचने के लिए वहाँ पे जो वेल था, ठीक है, उसमें दे डाइव इन टू वेल, आज उसी वेल के ऊपर जो जलियांवाला बाग स्मारक बनाया गया है उनको जो है कोमेमोरेट करने के लिए, ठीक है। एंड दिस इंसिडेंट टुक अ डीप इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द पीपल, और इसी के बाद शहीद भगत सिंह, शहीद उद्धम सिंह, ठीक है, और बहुत से जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशनरीज जो थे, वो जलियांवाला बाग के इंसिडेंट उनके मन में इतना जो है वो एक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया कि बाद में इन्होंने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाई, ठीक है। देन इसके बाद फिर हमने क्या बताना है कि दैट डायर, जो जनरल डायर ने जो भी इन जलियांवाला बाग में किया, अल्टीमेटली इसका रीजन क्या दिया कि वो कंट्री में क्या जो है वो फैलाना चाहते थे, टेरर फैलाना चाहते थे कि लोग जो है वो किसी भी तरह से प्रोटेस्ट या रैलीज में पार्टिसिपेट ना करें। तो जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, ही कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है वापस ले लेना, कॉल्ड ऑफ सत्याग्रह 1919 के बाद उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया, कॉल्ड ऑफ। रीजन क्या था, क्योंकि अब उनको ये लगता था कि कुछ देर के लिए एक ऐसे मूवमेंट की जरूरत है जिसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं, पूरी ब्रॉड बेस, ब्रॉड बेस का मतलब होता है पूरे इंडिया को और अलग अलग रिलीजन हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो किया जाए, बट विद द नॉन वायलेंस, नॉट वायलेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट रॉलेट एक्ट 1919 एंड जलियांवाला बाग मसैकर 13 अप्रैल 1919। तो दिस मच इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। देन आफ्टर कॉलिंग ऑफ रॉलेट सत्याग्रह, यानी कि जब रॉलेट सत्याग्रह जो है उसको वापस ले लिया गया, नाउ महात्मा गांधी ही वॉन्टेड वन मोर ब्रॉड बेस मूवमेंट। ब्रॉड बेस मूवमेंट का मतलब होता है एक ऐसी मूवमेंट चाहते थे जिसमें सभी रिलीजन्स जो हैं वो आपस में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। कैसे पार्टिसिपेट करें, हिंदू मुस्लिम्स टुगेदर, एंड उसके लिए टाइम पीरियड फिर कौन सा टाइम पीरियड आया, सेम आपको ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आपको ये याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज थी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ऑन वन साइड
एंड दूसरी तरफ कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की, टर्की ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की जो थी दैट वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ठीक है। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने जो एक इशू लिया दैट वॉज कॉल्ड खिलाफत इशू, और ये पूरा कंप्लीट जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या थी खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो बेस शुरू हुआ 1920 से, यानी कि पूरा 1920 ईयर, और अल्टीमेटली मूवमेंट स्टार्ट कब हुई 1921, और इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है 1885 में बनी थी पॉलिटिकल पार्टी, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्री की इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है। अल्टीमेटली जब ये बनी थी उस टाइम पीरियड में इनका मेन मोटिव क्या था कि जो इंडियंस के मन में जो भी ब्रिटिशर्स के लिए जो भी जो उनकी डिमांड्स हैं वो पीसफुली अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने प्रेजेंट करें बाय राइटिंग एप्लीकेशंस पिटीशंस। लेकिन कुछ लोग इसके फेवर में नहीं थे, उनका ये मानना था कि अगर आप पॉलिसी ऑफ प्रेयर का मतलब क्या है कि हर टाइम आप हाथ जोड़ के उनके आगे खड़े रहोगे, वो कब आपकी बात मानेंगे, कब आपकी बात सुनेंगे, है ना। तो कुछ लोग जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस देवर अगेंस्ट, कुछ लोग अगेंस्ट थे कुछ फेवर में थे। इसी को ही आपने 8th में पढ़ा होगा, कहा जाता था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स जो थे दे सपोर्टेड पॉलिसी ऑफ प्रेयर, बट एक्सट्रीमिस्ट लाइक लाल बाल पाल ठीक है। लाल बाल पाल कौन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, जो एक्सट्रीमिस्ट थे ठीक है। उनका ये मानना था कि जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो लड़ाई है वो ऐसे नहीं जीती जा सकती, उसके लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, एग्रेशन शो करना पड़ेगा, गुस्सा शो करना पड़ेगा, वॉयलेंस शो करना पड़ेगा। और इसी के बाद INC में स्प्लिट हो गया। तो ये हाँ, ये सारा जो बैकग्राउंड है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन होता था। सेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे मेंबर्स आपस में मिलते थे और मिलकर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट जो भी पॉलिसीज होती थी उनके ऊपर डिस्कशन होती थी। INC का प्रेसिडेंट, जो है प्रेसिडेंट का मतलब होता है जैसे कांग्रेस पार्टी के जो मेन लीडर हैं प्रेसिडेंट ठीक है, वो होते थे प्रेसिडेंट जो पूरी कंट्री की मीटिंग्स को प्रिजाइड ओवर करते थे, और इसके लिए अलग अलग डेलीगेट्स अलग अलग पार्ट से आते थे। तो हम कर रहे हैं 1920 का ईयर। वैसे तो सेशन हर ईयर में सिर्फ एक ही होता था, लेकिन 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो सेशन बुलाए गए। सेशन का मतलब होता है जिसमें मीटिंग्स होती हैं, जिसमें लोगों को बुलाया जाता है और वो आपस में डिस्कशन करते हैं ठीक है। डिस्कशन मतलब ब्रिटिशर्स के बारे में, उनकी रॉन्ग पॉलिसीज के बारे में, कंट्री के लिए क्या नया एजेंडा होगा, क्या क्या डिमांड्स होगी लोगों की, जो करंट इश्यूज होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती है। अब लेटेस्ट करंट इशू क्या था, जलियांवाला बाग अभी मसैकर अभी होके हटा था 1919, और उसका इम्पैक्ट लोगों पे ऊपर अभी भी था। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हुई थी, और वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद टर्की के जो रिलीजियस जिसे हम कहते हैं जो स्पिरिचुअल लीडर, जो टर्की के किंग थे खलीफा ठीक है, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हार्श ट्रीटीज वर इम्पोज्ड। हार्श ट्रीटीज का मतलब क्या था, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज जो है वो लगा दी गई, क्योंकि वो एक विनर लूजर कंट्री थी। एंड जब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिम्स को ये लगा कि उनके स्पिरिचुअल लीडर के साथ जो है वो ह्यूमिलेटिंग टर्म्स उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई हैं, तो सभी मुस्लिम जो थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। खिलाफ, यहाँ पे वर्ड खिलाफ मतलब अपोज हो जाना, खिलाफ मतलब अगेंस्ट हो जाना। और उन्होंने ये जो मूवमेंट चलाई, इस मूवमेंट को क्या कहा, खिलाफत। किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इन्होंने स्टार्ट की मुस्लिम्स ने। टॉपिक क्या था, टर्की के जो किंग थे खलीफा, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर, ही वॉज इम्पोज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज बाय द ब्रिटिशर्स। सो दैट्स वाई ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स दे अपोज दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो दैट्स वाई दे स्टार्टेड खिलाफत। खिलाफ मीन्स अगेंस्ट ठीक है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट। अब महात्मा गांधी जी ने इसको किस तरह से नॉन कोऑपरेशन के साथ ऐड किया। खिलाफत हमारी इंडिया में भी एक कमेटी बनी बॉम्बे में ठीक है, बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनी ठीक है। और इस कमेटी कब बनी थी, ये कमेटी मार्च 1919 ठीक है, ये कमेटी बनी थी मार्च 1919 में ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने इस कमेटी के जो दो लीडर्स थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जिनको अली ब्रदर्स कहा जाता था, अली ब्रदर्स, उनके साथ मिले
और उनके साथ मिलकर हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं एक यूनिटी एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने इनको अपने साथ लिया और एक ब्रॉड बेस मूवमेंट का जो है वो प्रपोजल रखा। ठीक है, अली ब्रदर्स, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको खिलाफत इशू अलग से भी आपको पता होना चाहिए, अलग से भी आपको टॉपिक आ सकता है व्हाट वाज खिलाफत इशू। मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिकॉज देयर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल किंग खलीफा ही वॉज इम्पोज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी बाय द ब्रिटिशर्स। सो दिस कमेटी, खिलाफत कमेटी दैट वॉज फॉर्म टू अपोज दिस रॉन्ग एक्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे बनी थी याद रखना, बॉम्बे में बनी थी March 1919। ठीक है, और इनके मेन हेड कौन थे, अली ब्रदर्स, उनके नेम आपको पता होना चाहिए, क्या नाम थे उनका, नाम मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, जो इस कमेटी के मेन जो है वो हेड थे, दोनों ब्रदर्स थे। ठीक है, और इनके बारे में जो भी डिस्कशन थे, महात्मा गांधी जी पूरी कांग्रेस पार्टी को ये अपना जो प्रपोजल है उनके साथ शेयर करना चाहते थे। ठीक है, तो March 1919 में कमेटी बनी, उसके बाद महात्मा गांधी जी लगातार इनके साथ टच में रहे, और फिर आया टाइम September 1920, कैलकटा में सेशन हुआ September 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें पूरी कंट्री के अलग अलग डेलीगेट्स, कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स जो थे वो कैलकटा में इकट्ठे हुए। ठीक है, और कांग्रेस का सेशन बुलाया गया 1920 सितंबर। ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उन्होंने प्रपोजल रखा, सारा अपना प्लान बताया कि कैसे मुस्लिम्स जो है वो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन का अपना आइडिया बताया। प्रपोजल का मतलब होता है कि जो वो चाहते थे उन्होंने सभी लीडर्स के साथ डिस्कस किए। ठीक है, इन दिस कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन September 1920 महात्मा गांधी कन्विंस, यहाँ पे मेन उन्होंने कन्विंस करना था बाकी लीडर्स को, मेन ये सेशन का मेन मोटिव क्या था, ही वॉन्टेड टू कन्विंस द अदर कांग्रेस पार्टी लीडर्स, वो उनको कन्विंस करना चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो चलाई जाए विद द सपोर्ट ऑफ दीज अली ब्रदर्स एंड ऑल द मुस्लिम्स। ठीक है, लेकिन उस टाइम पीरियड में ना हमारी कंट्री में कांग्रेस पार्टी में हिंदू और मुस्लिम्स के साथ इकट्ठे होने के लिए कुछ ऐसे लीडर्स थे जो नहीं चाहते थे कि इनकी ये जो लड़ाई है वो इकट्ठे हो। तो कुछ डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुए, और महात्मा गांधी जी ने सभी जितने भी जो भी डिबेट एंड डिस्कशन थे उनको सेटिस्फाई किया, लेकिन एक जिसम कहते हैं यूनिवर्सल, एक जिसम कहते हैं कि उनकी वोटिंग या जो इनका डिसीजन था वो नहीं हो पाया। ठीक है, यानी कि जो लीडर्स के बीच में आपस में जो है वो किसी भी तरह से जो है कि यूनिफॉर्म डिसीजन जो है वो नहीं ले पाए, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि सितंबर में जो 1920 का सेशन था उसमें डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं लिया गया। ठीक है, और लेकिन महात्मा गांधी जी एक स्ट्रॉन्ग बेस मूवमेंट चाहते थे, और फिर से उन्होंने क्या किया, इसी ईयर दिसंबर में फिर से सेशन बुलाया। कहाँ पे बुलाया, नागपुर, कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन 1920 में फिर से सेशन बुलाया दिसंबर 1920। ये भी आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ही वॉन्टेड टू डिस्कस अगेन, उन्होंने फिर से खिलाफत इशू जो है उसको बताया, एंड अल्टीमेटली उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, और फिर क्या हुआ, प्रपोजल पास किया गया। अब दिसंबर था, एंड था 1920 का, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि ये मूवमेंट जो है, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हेन दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, ईयर कौन सा, 1921। क्योंकि दिसंबर में तो प्रपोजल पास हुआ था, सबने वोटिंग की, क्योंकि वोटिंग करवाते थे ना, वोटिंग की, और सबने डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की जाएगी, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट होगी विद द हेल्प ऑफ द मुस्लिम्स, और खिलाफत जो है मूवमेंट को साथ में, दोनों मूवमेंट्स को ज्वाइन कर लिया गया, और फाइनली जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुई 1921 जनवरी में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। क्लियर, सो दैट वॉज द बैकग्राउंड। ये अभी बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू से पहले का बैकग्राउंड था कि जब ये स्टार्ट हुई, और अब हमने फिर बताना है कि हाउ दिस मूवमेंट दैट स्प्रेड इन टू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ ये बताया कि इस मूवमेंट का बेस कैसे तैयार हुआ, कैसे इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, और कौन कौन से पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, कौन सा ईयर है। अब हमने क्या बताना है कि अब इस मूवमेंट में आगे क्या हुआ, कौन कौन से ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, और किस तरह से ये मूवमेंट स्प्रेड हुई, स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट।
हाँ जी, तो ये जो है बच्चे आपको दो तरह से आ सकता है, स्प्रेड मींस फर्स्ट आ सकता है टाउन्स और सेकंड आ सकता है कंट्री साइड, ठीक है। स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नंबर वन टाउन्स सिटीज, कि सिटीज सिटी पीपल ने कैसे पार्टिसिपेट किया, एंड नंबर टू कंट्री साइड। विलेज एरियाज, उनकी पार्टिसिपेशन क्या थी, ठीक है, कंट्री साइड या विलेज। और कंट्री साइड और विलेज में जब हम बात करते हैं तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन का आइडिया कैसे लिया, क्या जो महात्मा गांधी जी का जो रियल आइडिया था उन्होंने उसको फॉलो किया, या उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मीनिंग अपने हिसाब से लिया, ठीक है। तो हमने अलग अलग जो है वो स्टेट्स, कुछ स्टेट्स और कुछ हमने अलग अलग जो है वो लीडर्स के नेम बताने हैं कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कैसे किया। वैसे तो ये जो स्टोरी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, ये बहुत ज्यादा, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया के हर पार्ट से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बट वी कांट राइट ऑल द स्टोरीज, सो वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमने क्या किया है, उसको ग्रुप किया है। अगर तो अकेला आपको टाउन्स आता है तो आपने सिर्फ टाउन्स को एक्सप्लेन करना है, अगर आपको टोटल स्प्रेड आता है तो आपने दोनों को एक्सप्लेन करना, अगर सिर्फ कंट्री साइड आता है, कंट्री साइड आता है तो आपने सिर्फ फॉरेस्ट एरियाज, विलेज एरियाज और लोगों की जो डिमांड्स थी, जो लैंडलॉर्ड थे या जो लैंडलेस वर्कर्स थे या जो ट्राइबल्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम मेन बतानी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टाउन्स, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द टाउन्स, कि जो लोग शहरों में रह रहे थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या बताना है, नंबर वन पीपल बॉयकॉटेड सिविल सर्विस एग्जाम्स। आपको पता है आईएएस एग्जाम जो है, सिविल सर्विस एग्जाम्स, ये भी ब्रिटिशर्स ने ही हमारी कंट्री में स्टार्ट किया था। पहले पहले तो ये जो टेस्ट होता था ना इंडिया में नहीं होता था, अगर कोई इंडियन आईएएस जो है वो सिविल सर्विस एग्जाम देना चाहता है तो उनको लंदन जाना पड़ता था। ये तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी थी और उनकी डिमांड के ऊपर ही उनकी ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है। और लेटर ऑन बाद में बहुत से ऐसे इंडियंस थे जो सिविल सर्विस एग्जाम जो है जिन्होंने पास किया, एंड देन आफ्टर देन दे बिकेम द एम्प्लॉयर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अब नंबर वन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तो बहुत से सिविल सर्वेंट्स यानी कि बहुत से जो सिविल सर्वेंट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स की जॉब करते थे, दे बॉयकॉट। यहाँ पे टर्म बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, बॉयकॉट करना, ऑफिस में ना जाना, नॉन कॉपरेशन, नॉट टू कॉपरेट, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग क्या है, नॉट नॉन कॉपरेशन का, नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ब्रिटिश यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने जो है वो एक इसके लिए जिसे हम कहते हैं कि एक अपने व्यूज दिए कि जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, ठीक है, गेस्ट तब तक ही आपके घर में हैं जब तक आप उनके साथ कॉपरेट करते हो। अगर आप उनको कॉपरेट नहीं करोगे, आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो अल्टीमेटली गेस्ट जो हैं दे विल फील देमसेल्फ इंसल्ट एंड दे विल लीव। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो फॉरनर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ये भी हमारी कंट्री में गेस्ट हैं, ये तब तक ही यहाँ पे हैं जब तक इंडियंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, देन दे हैव टू लीव। मे बी दिस जो भी उनका स्ट्रगल है, मे बी दिस विल बी वेरी लॉन्ग, अगर बहुत लंबा होगा, बट स्टिल वी विल फाइट। तो ये उनका मेन मोटिव था, नॉट टू कॉपरेट, अल्टीमेट उनका मोटिव क्या था, ठीक है। देन इसके बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, बहुत से लोगों ने बॉयकॉट किया, सिविल सर्वेंट्स ने रिजाइन कर दिया, आर्मी यानी कि जो लोग सोल्जर्स थे, इंडियन जो लोग सोल्जर्स थे उन्होंने बॉयकॉट किया, जो लोग पुलिस में थे, इंडियन जो लोग पुलिस में थे उन्होंने बॉयकॉट किया, एडवोकेट्स लॉयर्स बॉयकॉट किया, उन्होंने बॉयकॉट किया, कोर्ट सर्विसेज में जाना बंद कर दिया, ठीक है। स्कूल जो ब्रिटिश स्कूल्स थे, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, बच्चों ने स्कूल में जाना बंद कर दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाना बंद कर दिया, फॉरेन गुड्स खरीदनी बंद कर दी। और ब्रिटिशर्स ने जितने भी लोगों को टाइटल्स दिए हुए थे जैसे राय साहब, राय बहादुर, उन टाइटल्स को लोगों ने वापस कर दिया। इवन रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नाइटहुड का टाइटल दिया हुआ था, उन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया, ठीक है। तो ये जस्ट वे था कि ब्रिटिशर्स को ये दिखाने के लिए कि वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद यू, ठीक है। तो नाउ टाइम इज ओवर, रेस्ट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर। सो एनी प्रॉब्लम, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर देन यू कैन
ask any problem there beta no so it's very good today in 10th hey 43 students are present very good is it right Arshin yes ma'am very good clap for all the students